उत्तर प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य वाल राम टेम्पल्स एंड एट दैटी राम भक्त इज ईगली वेटिंग फॉर एट फल वर्षों के बराबर जैसे लग रहा हो 22 जनवरी के इंतजार में वैसे ही इंतजार हर राम भक्त कल 22 जनवरी का कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा की के शुभ मुहूर्त का कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अयोध्या आगमन का कर रहा है यहाँ जो राम भक्त आमंत्रित किए गए हैं जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे उसके अतिरिक्त देश में करोड़ों करोड़ करून राम भक्त चाहे वह सबरी माता की तरह किसी कुटिया में हो चाहे रंगबेरपुर धाम की तरह कोई निषाद राज्य के रूप में प्रतीक्षारत हो चाहे भगवान भरत जी जैसे भगवान के इंतजार में कि चौदह वर्ष बीत गया है और अगर अब आने में एक पल की देर हुई तो फिर तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा इस तरह की व्याकुलता इस प्रकार की बेचैनी समस्त राम भक्तों में है कल 22 जनवरी 2024 हजार ऐतिहासिक घड़ी है मेरे जैसे तमाम सारे राम भक्त तमाम कार सेवक तमाम आंदोलनकारी कल की तिथि का इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और 22 जनवरी का यह जो आयोजन है वह भव्य और दिव्य है तैयारियां लगभग सभी पूरी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जो करना है वह बहुत योग्य ढंग से कर ही रहे हैं लेकिन राज्य की सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो चाहे स्वच्छता की दृष्टि से हो चाहे जो बहुत सारे अतिथिगण चाहे वह हवाई मार्ग से आवे चाहे रेल मार्ग से आवें चाहे सड़क मार्ग से आवें उनके सबके स्वागत का उपयुक्त प्रबंध किया